Welcome back to my channel. My name is Paromita and you are watching Paromita's Delight. जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे चैनल पे न्यू हैं और मेरे वीडियोस को लाइक भी कर रहे हैं और उन पे कमेंट भी कर रहे हैं, उन्हें शेयर कर रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन है उसे भी टैप कर दीजिए, नहीं तो आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स नहीं मिल पाएगी। सो आज मैं आ गई हूँ एक और व्लॉग लेकर, जो कि मैं कर रही हूँ वीकडे का व्लॉग। जस्ट अभी मैं ऑफ़िस से आई हूँ और जस्ट मैंने बालों को कॉम किया एंड मैं तैयार हो गई। जब मैं ऑफिस में होती हूँ तो मैं सोचती रहती हूँ कि मैं कौन से टॉपिक पे व्लॉग बनाऊँगी, बिकॉज सैटरडे संडे को व्लॉगिंग करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है, बिकॉज मेरे पास टॉपिक होता है। मैं नॉर्मल व्लॉगिंग जो होता है हाउस का वो दिखा देती हूँ, या फिर मैं बाहर घूमने जाती हूँ तो वो दिखा देती हूँ, बट वीकडेज में व्लॉग सोच पाना ना मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ काम है। बट या जैसे लोग मुझसे पूछते हैं, जैसे मेरे फ्रेंड्स मुझसे पूछते हैं कि तो ऑफिस का काम करते हुए भी किस तरीके से तू व्लॉग बना लेती है। सो इट्स ऑल अबाउट द पैशन व्हाट यू आर हैविंग। सो या मुझे बहुत पसंद है व्लॉगिंग करना, मुझे डिफरेंट आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत पसंद है, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, इसकी वजह से मेरे सब्सक्राइबर इंक्रीज भी हो रहे हैं। सो अगर आप लोगों की दुआ रही तो शायद बहुत जल्दी मेरे 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट टाइम। सो या सो इस वजह से मुझे काफ़ी मोटिवेशन, आप ही मुझे मोटिवेट करते हो डिफरेंट वीडियोज़ आपके साथ शेयर करने के लिए एंड व्लॉगिंग करने के लिए। सो या सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। एंड इसके अलावा मुझे ऐसा होता है ना, मैं अपने सारे जो काम होता है उनको रूटीन वाइज करना पसंद करती हूँ, मैं टाइम डिवाइड कर लेती हूँ एंड उसके हिसाब से करती हूँ। सो या नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, यू कैन डू एनीथिंग इफ़ यू वॉन्ट टू डू दैट। सो या तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ एक रेसिपी जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है, हेल्दी है एंड टेस्टी है। सो उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगी, जो रेसिपी मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो एक एक तीर से दो निशाने वाली बात हो जाएगी। जैसे कि हैदराबाद में हम कहीं भी मंदिर में पूजा वगैरह देते हैं तो वहाँ पे नारियल ही चढ़ाया जाता है, वहाँ पे मिठाई वगैरह जो होता है, हमारे यूपी साइड में मिठाई वगैरह चढ़ाते हैं, पेड़ा लड्डू कुछ भी, यहाँ पे लोग नहीं चढ़ाते हैं वो सब, यहाँ पे मोस्टली नारियल ही चढ़ाया जाता है। तो वो प्रसाद में जो रिटर्न करते हैं वो भी हमें नारियल ही करते हैं। सो ऐसा लोग मतलब सोचते हैं कि इतने सारे नारियल का हम क्या करें, दे कैन नॉट ईट इट नॉर्मली। सो जैसे लोग नहीं नॉर्मली खाना पसंद करते हैं या फिर नहीं खा सकते हैं ज़्यादा, तो वो क्या कर सकते हैं वो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। मैं आज आपके साथ में शेयर करूँगी एक पीनट कोकोनट चटनी की रेसिपी। कोकोनट नॉर्मल चटनी तो आपने खाया ही होगा, जो आप नॉर्मल डोसा इडली वड़ा के साथ में खाते हो, उत्पम के साथ में खाते हो, वही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बट रेस्टोरेंट में जो आप खाते हो वो बोलते तो हैं कि वो कोकोनट चटनी है, बट अगर आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में नहीं गए हो, किसी नॉर्मल रेस्टोरेंट में गए हो, तो दे आर नॉट गिविंग द कोकोनट चटनी, दैट इज़ द चना दाल चटनी। बट हेयर आई एम शेयरिंग यू अ वेरी फेमस रेसिपी ऑफ माई फादर, मतलब मेरे पापा ने, मैंने वो मेरे पापा से ही सीखा है। माई फादर इज़ अ डाई हार्ड कुक, ही लव्स कुकिंग अ लॉट और वो घर पे काफ़ी कुकिंग करते भी हैं। सो या तो मैंने उन्हीं से ये रेसिपी सीखी है विद माई ट्विस्ट बाई एडिंग द कोकोनट टू इट। सो या कोकोनट तो मैं आज आपके साथ में शेयर करूँगी पीनट कोकोनट चटनी की रेसिपी, जो कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। सो या देर ना करते हुए लेट्स चेक आउट द रेसिपी। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come, we must never stop the way, yeah. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane, we must merely make a start. Savannah, I'm coming home, Savannah.
आप इसको, मुझे तो ऐसा होता है ना, मुझे सिर्फ 5 मिनट्स लगते हैं, चीज़ों को गैदर करो और फटाफट बना दो. इट्स वेरी वेरी ईजी एंड उसके बाद में बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है अगर आप इसको नॉर्मल अमाउंट में लेते हैं. एंड कंसिस्टेंसी डिपेंड्स अपन यू, आपको जैसा चाहिए. अगर आप बहुत फ्लोई कंसिस्टेंसी वाला चटनी खाते हैं तो आप वैसा चटनी बनाइए. अगर आपको थोड़ा गाढ़ा चटनी चाहिए तो आप वैसा चटनी बनाइए. और मेरे घर पे चटनी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है. लाइक मेरे घर पे अगर ये चटनी बनती है ना, अगर मान लीजिए ये एक दिन एक कटोरे में बनी और सिर्फ उतना ही क्वांटिटी का बना, और दूसरे दिन अगर ये एक पूरे बड़े बाउल में भर के बना, तो उस दिन भी पूरा ख़त्म हो जाएगा और बाउल वाले दिन भी पूरा ख़त्म हो जाएगा. लाइक मेरे घर पे चटनी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है. एंड सो अगर आप लोगों को पसंद आई हो मेरी आज की रेसिपी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, से दूर दूर तक शेयर करिए. मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय.